आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर शर्मा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैसे खास मेहमान हैं, कैसी युवा शख्सियत हैं, जिनका नाम है विक्रांत बाला साहब पाटिल। हाल ही में आपको महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले भी आप युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर आप अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पनवेल महानगर पालिका के उप महापौर से लेकर और तमाम जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, और पनवेल के विकास को लेकर और पार्टी और संगठन के मजबूती के लिए आपने लंबे समय से काम किया है। इस वक्त स्वयं हमारे साथ विक्रांत पाटिल साहब मौजूद हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। थैंक यू, नमस्ते। सबसे पहले आपसे सवाल यही जानना चाहेंगे, आपका सबसे पहले अभिनंदन कि आपको महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का एक बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष की कमान आपको सौंपी गई है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। सवाल ये आपसे पूछना चाहेंगे कि एक नगर सेवक, एक युवा कार्यकर्ता और उसके बाद महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाया जाना, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का, आप इस नियुक्ति को किस तरह से देखते हैं, कितनी खुशी हो रही है और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे हुआ? कि 3 जुलाई को भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई और मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। महाराष्ट्र में अनेक विषयों पर मैंने इसके पहले बहुत अच्छी तरीके से काम किया था और संगठना में काम करने वाला एक कार्यकर्ता, ऐसी एक पहचान जाने अनजाने में मेरी बन चुकी थी। इसके पहले अनेक जिम्मेदारियों पर मैंने काम किया, लेकिन महाराष्ट्र के युवाओं का दुख, महाराष्ट्र के विद्यार्थियों की समस्या, इस पे ऑनेस्टली काम करना ये मेरा काम रहा था। लेकिन ये जिम्मेदारी जब मुझे दी गई तो मेरे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, सम्माननीय महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर जो अभी के विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र जी फडणवीस, सम्माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, सम्माननीय हमारे संगठन मंत्री विजयराव जी पुरानी, और इसके अलावा जो हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सब जो पदाधिकारी है, हमारे नेता है, जिन्होंने हमेशा अनेक विषयों में मुझे मार्गदर्शन किया, मदद की, उन सभी के मैंने इस माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक भावना उस समय जब ये डिक्लेयर हुआ तब मेरे मन में आई कि जो संघर्ष करता है, जो ऑनेस्टी से काम करता है, जो अपेक्षा नहीं करता, उसको पार्टी सम्मान देती है, उसको पार्टी जिम्मेदारी देती है। एबिलिटी हो तो जिम्मेदारी मिलेगी, क्षमता हो तो जिम्मेदारी मिलेगी, मेहनत लेने की तैयारी हो तो जिम्मेदारी मिलेगी। ये एक सूत्र भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से रखा है और उसकी अनुभूति दोबारा एक बार मुझे आई, तो ये एक बहुत आनंद का क्षण था, एक बहुत ही खुशी का क्षण था मेरे लिए। लेकिन उसी समय दूसरे बाजू मेरे दिमाग में एक विषय था और मुझे इसकी एक अहमियत पता थी कि ये एक मुकुट है जो सर पे डालने के बाद एक क्राउन है जो बहुत दिखने को आकर्षक है, लेकिन इसमें बहुत लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं छुपी हुई है, उसका एक वजन उस पे जरूर है। ये अपेक्षा किस प्रकार की है, तो पार्टी के मेरे नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनकी मेरे ओर से कुछ अपेक्षा है कि विक्रांत ने ये जिम्मेदारी खूबी से निभानी चाहिए, जो उनको अपेक्षित है महाराष्ट्र भर में युवाओं का दुख कम करने के लिए, उनके आंसू पहुंचने के लिए इसने काम करना चाहिए, यह आशा उनकी है, ये अपेक्षा उनकी है। मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र भर के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उनके मेरे ओर से कुछ अपेक्षा है। महाराष्ट्र में जो युवा है, विद्यार्थी है, जो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन इस महाराष्ट्र सरकार के समय में ये सरकार बहुत उदासीनता से वर्क कर रही है, काम कर रही है, विद्यार्थी स्टूडेंट हो, युवती हो, युवा हो, इनके प्रति असंवेदनशील रहते हुए, बिल्कुल संवेदना ना दिखाते हुए ये काम कर रही है, उनके अनेक प्रश्न वैसे ही प्रलंबित है और इसके लिए वो युवाओं को, उन युवाओं को ऐसे लग रहा है कि हमारी आवाज कोई बनेगा, हमारा प्रश्न कोई उठाएगा, तो ये उनकी एक अपेक्षा मेरे ओर से है। तो अनेक अपेक्षा का वजन इस जिम्मेदारी में है, तो मेरा काम ये रहेगा कि इसको मैं बैलेंस करूं। खुशी का तो ये माहौल है, खुशी का तो ये समय है, लेकिन मैं उसको खुशी का एक मौका ना मानते हुए जिम्मेदारी का एक मौका मानूं और महाराष्ट्र के युवाओं की जो अपेक्षा मेरे ओर से है वो पूरी करने का ऑनेस्टी से, प्रामाणिकता से, तहे दिल से मैं प्रयास करूं, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। सर, जैसे ये जिम्मेदारी आपको मिली है प्रदेश अध्यक्ष की, तो इससे इसमें बहुत सारी आपकी सार्थक जो पहल पहले की रही होगी, जो तमाम उपलब्धियां जो आपने संघर्ष किया है इस पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए जो आपने काम किया है, वो किस तरह से रहा, कितने सालों का ये जो सफ़र है आपका संघर्षों का, तब जाकर आपको ये पद अभी मिला हुआ है, जो पार्टी ने आपको एक मौका दिया है,
तो ये उपलब्धियां किस तरह की रही हैं इस दौरान, चूंकि आप नगर सेवक एक कार्यकर्ता से आप नगर सेवक बने, नगर सेवक से उप महापौर बने, उप महापौर और उसके अलावा आपने पार्टी में तमाम जिम्मेदारियां जो युवा मोर्चा में उसमें आपने निभाई, किस तरह की उपलब्धियां रही हैं यहां तक पहुंचने में? जी, जब भी लोग इस पद की ओर देखते हैं या आज के अचीवमेंट के पास की ओर देखते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत कम उम्र में इन्हें ये संधि प्राप्त हुई, लेकिन इसके पीछे संघर्ष बहुत बड़ा है। मैंने इस काम की शुरुआत सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में जो काम की शुरुआत है वो मेरे उम्र के 16 ईयर्स मेरी एज जब थी तब से मैंने इसमें शुरुआत की है और मुझे इस काम में रुचि थी। मेरे पिताजी जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता थे, रायगढ़ जिला के अध्यक्ष रह चुके थे, तो जब भी पार्टी की स्थिति जिला में अच्छी नहीं थी तब पार्टी को खड़ा करने का काम उन्होंने किया। तो संघर्ष उनका मैंने बहुत नजदीक से देखा, उनकी ऑनेस्टी, उनका प्रामाणिक स्वभाव मैंने वो बहुत नजदीक से देखा। हर विषय को लेके जो युवा है, नागरिक है, जनता है, इनको न्याय देने का विषय, उनके लिए लड़ने का विषय, ये मैंने बहुत करीब से देखा और उसके लिए जाने अनजाने में वो सब गुण मेरे में आ गए। और जिसे कहते हैं कि एक बार जो घर में ये सब चीजें देखता है उसको दूसरे कुछ सिखाने की फिर अलग से जरूरत नहीं पड़ती, तो उसका एक फायदा मुझे जरूर हुआ। मैं कहूंगा कि मुझे उनका राजकीय वारसा कभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी अपेक्षित नहीं मैंने पकड़ा, लेकिन उनके कर्तृत्व का वारसा, उनके संघर्ष का वारसा और उन्होंने जो कुछ मेहनत ली, ऑनेस्टी से की, पक्षनिष्ठा, ये सब विषय जो उन्होंने किए उसका एक वारसा जिसको कहते हैं वो विषय मैंने आत्मसात किया, मुझे वो जरूर प्राप्त हुआ और इसलिए मैंने तय किया कि युवाओं के लिए काम करना है, युवाओं के लिए उनमें रह के उनमें का एक युवा करके युवाओं को न्याय देने का एक प्रयास करना है। ये मैंने मेरे उम्र के 16वें साल में मैंने डिसाइड किया था। 18वें साल में जैसे ही मैं आया, हम मानते हैं 18 साल इज द टाइम ऑफ व्हेन यू बिकम एडल्ट, आप एडल्ट बन जाते हो, प्रौढ़ बन जाते हो, तो तभी से मैंने एक्टिव पोस्ट लेके पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता बोल के काम करने को शुरुआत की। विद्यार्थी मोर्चा का मुझे जिम्मेदारी सौंपा गया, पनवेल विद्यार्थी मोर्चा, फिर युवा मोर्चा में मुझे पनवेल की जिम्मेदारी दी गई और मैंने परफॉर्मेंस कहीं पे ठीक ठाक दिया होगा नहीं दिया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद में मुझे जिला की विद्यार्थी मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई। स्थानीय स्तर पर अच्छा काम किया तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि जिसके माध्यम से स्टेट लेवल पे युवा मोर्चा में काम करने की एक अपॉर्चुनिटी संधि मुझे आई और तभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे बने थे संभाजी पाटिल निलंगेकर जी, जो बाद में कामगार मंत्री रहे, तो इतने बड़े व्यक्ति के साथ उनके उनके टीम में मुझे सचिव करके काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली, महाराष्ट्र में घूमने की संधि मिली, युवाओं में जाने की संधि प्राप्त हुई, युवाओं के दुख, युवाओं के विद्यार्थियों की समस्याएं जानने की संधि प्राप्त हुई। उनके साथ 3 साल मैंने बहुत अच्छी तरीके से महाराष्ट्र पर प्रवास किया, सब विषय जाने। उसके बाद में मुझे और एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली कि उनके बाद हमारी अध्यक्षा बनी महाराष्ट्र की सन्माननीय पंकजाताई मुंडे, जो बाद में महाराष्ट्र की ग्राम विकास मंत्री भी रहे। हाँ, हाँ। तो उनके साथ काम किया, संघर्ष, पार्टी विरोध में थी, सत्ता में नहीं थी, तो 2.5 साल उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और उनका स्वभाव, उनकी कार्यशैली, ये भी जानने का मौका मिला। उनके साथ महाराष्ट्र में हजारों किलोमीटर का प्रवास मेरा हुआ। उसके बाद सत्ता, पार्टी सत्ता में आ गई, चुनाव हुए, हमको मेजोरिटी मिली और हम सत्ता में आ गए और उसके बाद में महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनाए गए हड़पसर पुणे के अमदार सन्माननीय योगेश अन्ना टिलेकर। तो उनके साथ जैसे ही उन्होंने अध्यक्ष बना, उन्होंने मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी दी, संधि दी और मुझे सरचिटनीस, महामंत्री, ये इंपॉर्टेंट जवाबदारी पार्टी में है, उसकी अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई। पंकजादाई के समय भी मैं महामंत्री था, सरचिटनीस था, लेकिन योगेश अन्ना टेलेकर जी ने दोबारा अपॉर्चुनिटी देके मुझे महामंत्री सरचिटनीस बनाया और उसके कारण पूरे महाराष्ट्र में ये विषय मैंने हैंडल किया। योगेश टिलेकर जी एक बड़े भाई के जैसे मेरे पीछे खड़े रहे और एक हम स्कोप दिया, एक स्वातंत्र दिया कि आपकी क्षमता है आप काम करो, कभी हाथ में बेड़ी डाल के ऐसे नहीं कहा कि अभी बेड़ी डाली है और काम करो, लेकिन हाथ खुले छोड़े उन्होंने कहा कि इस महाराष्ट्र में युवाओं का कल्याण करना है, हम सब मिलके काम करेंगे और एक फ्रीडम मिला। तो उसके माध्यम से महाराष्ट्र में एक अच्छा काम खड़ा हुआ और युवा मोर्चा को एक ऊंचाई पे लेके जाने का काम, इस संगठन के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम बहुत बढ़िया तरीके से हम महाराष्ट्र में कर पाए, इसका श्रेय है वो उन अध्यक्षों का है, तभी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सब का है और जाने अनजाने में मेरे सभी नेता जिन्होंने मुझे हर समय मेरे हाथ पकड़कर, मेरे हाथों में हाथ रखकर मुझे मार्गदर्शन किया और उन सभी के कारण मैं आज यहां तक पहुंच पाया। सर, आपने जैसा बताया कि एक लंबा संघर्ष रहा है, एक सामान्य कार्यकर्ता से फिर इस ऊंचाई तक आप पहुंचे हैं, अब जब ये जिम्मेदारी मिल गई है, आपने खुद भी कहा कि एक तरह का ये क्राउन है,
एक तरह का ताज है, लेकिन ये ताज जो है ये सम्मान का तो है लेकिन ये जिम्मेदारियों का भी ताज है। और जो आपने राजनीतिक संस्कार अपने पिताजी से आपने सीखा, तो अब आपकी आने वाली क्या योजनाएं रहेंगी एक अध्यक्ष के तौर पर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर क्या आने वाले दिनों के लिए किस तरह की आपकी प्लानिंग है, क्या योजना है, किस तरह से आप संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और किस तरह से आप युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे? जी देखिए, पिछले 5 साल ऐसे थे जब मैं महाराष्ट्र का सरचिटनीस था, महामंत्री था, और हमारी पार्टी सत्ता में थी। सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे और हम उनकी संपूर्ण टीम जो थी, मंत्रिमंडल था वो काफी सक्षम मंत्रिमंडल था, एक कोऑर्डिनेशन था, और उसके कारण सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के माध्यम से अनेक अच्छे उपक्रम, अनेक अच्छी योजनाएं, अनेक उपयोगी योजनाएं युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवतियों के लिए और समाज के हर घटक के लिए, महिला हो और ज्येष्ठ नागरिक हो, शेतकरी, फार्मर्स हो, इन हर एक के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनी। तो तभी हमारी प्रायोरिटी थी कि उन योजनाओं को लेकर हम नीचे तक जाए, वो लोगों को मैं पहुंचाए, और सिर्फ योजनाएं हम ना बताए बल्कि हम उसके लाभधारक तैयार करें, बेनिफिशरीज तैयार करें, वो करने में हम सफल हुए। हमने बहुत अच्छे उपक्रम किए और गांव स्तर तक जाकर हमने लोगों को उस योजनाओं का फायदा पहुंचाया। लेकिन अब परिस्थिति बदली हो चुकी है। यहाँ पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम किया, सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी ने इतना अच्छा काम किया कि लोगों ने उनको आशीर्वाद दिए वोटों के स्वरूप में, मतदान के स्वरूप में, और बहुत बड़े पैमाने पर आशीर्वाद दिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जो हमारी अलायंस पार्टी थी, जिसने हमारा साथ देने की जरूरत थी, वो कुर्सी के लिए उनकी थोड़ी सी मति भ्रष्ट हो गई, उनको लालसा आ गई, और एक लालसा ये चीज ऐसी होती है कि जो आदमी से बहुत गलत काम करवाती है। तो उन्होंने हमारा साथ छोड़कर विश्वासघात कर हिंदुत्ववादी संगठन होने का जो दावा करती थी इतने साल से, उन्होंने वो हिंदुत्व छोड़ दिया, हिंदुत्व विरोधी पार्टियों से, विरोधी विचारधारा की पार्टियों से अलायंस किया और वो सत्ता में आ गए। मतलब जैसे तीन फेल हुए जो स्टूडेंट है, उन्होंने ऐसा कहा कि हम तीनों भी फेल हुए हैं लेकिन हम तीनों के मार्क्स की टोटल करेंगे और दिखाएंगे, देखो हम फर्स्ट है, ऐसा दिखाने का एक प्रयास उन्होंने किया। लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, लोगों ने जब जनमत दिया था, कौल दिया था, थंपिंग मेजोरिटी दी थी बीजेपी को और अलायंस पार्टी को, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। तो आज महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। तो इस समय में आज महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी कहते हैं, लेकिन ये महाविकास नहीं, महाभकास आघाड़ी है। ये जनता के लिए बिल्कुल असंवेदनशील आघाड़ी है। और आज महाराष्ट्र में जो स्थिति है, कोरोना है, कोरोना में हम नंबर वन आ चुके हैं, हमने नंबर वन जाना चाहिए था विकास के विषयों में, लेकिन आज कोरोना के विषय में हम नंबर वन है, ऐसे अनेक विषयों में आज हम पिछाड़ी पे हैं। और इस विषय में ये सरकार जो है वो महाराष्ट्र के युवा हो, विद्यार्थी हो या युवतियां हो, इस सब विषय में, या बेरोजगार युवा हो, इस सब विषय में असंवेदना दिखा रही है। और इसमें इनकी संवेदना बिल्कुल ना होने के कारण आज युवाओं ने उनसे अपेक्षा करना ही छोड़ दिया है। पहले उनको लगता था कि ये सरकार कुछ करेगी, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए इनकी अपेक्षा किनसे है? तो ये अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। इनकी अपेक्षा है भारतीय जनता युवा मोर्चा से, क्योंकि एक सेवा संघर्ष का वारसा, एक हमको वो हमारा परफॉर्मेंस उन्होंने देखा है, और इसीलिए हमारी सेवा संघर्ष हमारे लिए और हमारा हमको न्याय हासिल कर देने का काम कौन कर सकता है? तो भारतीय जनता युवा मोर्चा कर सकता है, ये उनकी अपेक्षा बन चुकी है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी अभी ये है जो आपने पूछा कि पिछले 5 साल हमने स्कीम्स नीचे तक पहुंचाई और बेनिफिशरीज तैयार किए, लेकिन अभी हम बड़ी विनम्रता के साथ युवाओं का कल्याण करने का काम करेंगे। उनकी जो समस्या है वो हम जान के लेंगे, जान तो रहे हैं, लेकिन उनको अभी उन पे सरकार की दरबार में इस विषय को हासिल उपस्थित करने का विषय करेंगे। और विनम्रता के साथ अगर ये विषय नहीं छूटता है तो हम युवा है, युवा का अगर उल्टा करते हैं, अब पढ़ते हैं तो वायु होता है, तो वायु जैसे ऑक्सीजन करके हमको जीवन देने का काम करता है, वही वायु अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो साइक्लोन भी तैयार करता है, निसर्ग चक्रीवादल हम सभी ने देखा है, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए ही युवा का उपयोग अभी कैसा करना है वो हम करेंगे, और इसको अगर वायु का स्वरूप लेना पड़े न्याय के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, उनको उनका आवाज उठाने के लिए, तो वो वायु का स्वरूप भी हम हासिल करेंगे। और युवाओं को न्याय देना, विद्यार्थियों को न्याय देना, और इन सभी को लेकर एक हमारे पार्टी से जोड़ना, उनको युवा मोर्चा या अपनी संगठन लगे, इसका प्रयास करना, और युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता उसको अपना मित्र लगे, इस तरह का काम करने का प्रयास हम सभी लोग मिलकर करने वाले। सर, आपने खुद वो मेरा सवाल था ऑलरेडी, आपने उस सवाल को खुद ही आपने शुरू कर दिया।
आपको एक यूथ आइकॉन भी माना जाता है, और ऐसे में जब आपकी ये जिम्मेदारी जो है युवा मोर्चा की है, तो ये एक संभावना बड़ी अभी बन जाती है कि एक्चुअली जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो युवाओं को किस तरह से अपने पार्टी के साथ जोड़ेंगे, अपने संगठन के साथ जोड़ेंगे, किस तरह की रणनीति है। क्योंकि अभी इस जो ये दौर चल रहा है, ना सिर्फ कोरोना बल्कि इससे पहले से भी जो हालात थे युवाओं को लेकर, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि सरकार असंवेदनशील है, तो इस असंवेदनशीलता के दौर में जब युवा के पास रोजगार नहीं है, वो हर तरह से हताश है, सरकार उसको मदद नहीं कर रही है, ऐसे में किस तरह की भूमिका आपकी होगी कि जो युवा हैं वो युवा मोर्चा से जुड़ें और उनका समाधान आपके जरिए हो सके। देखिए, युवा ये एक ऐसा वर्ग है जिसको आप कोई भी चीज़ उसके ऊपर ठोक के बोल नहीं सकते कि ऐसा ही करना है। वो एक स्वतंत्र विचारधारा से काम करने वाला वर्ग है, और इसलिए जैसे पहले था कि हमारे घर में यदि भारत एक पार्टी का हम लोग सिफारिश करते हैं, उसी को मानते हैं, तो वैसा ही करते आएंगे। अब वैसा दौर नहीं रहा। युवा व्यक्त होता है, युवा रिएक्ट करता है, और युवा बहुत संवेदनशील है। वो देखता है कि क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं, इस सब विषय को वो देखता है, जानता है, और उस पर रिएक्ट भी करता है। तो युवा है ऐसी चीज है जो क्रांति लाता है। तो युवाओं को आकर्षित करने का तो संबंध ही नहीं है, हम वो प्रयास भी नहीं करेंगे, उसके लिए हम कोई रणनीति भी नहीं बनाएंगे। और आपने जैसे कहा कि मैं यूथ आइकॉन हूं, तो शायद मैं यूथ आइकॉन बनना भी नहीं चाहता हूँ, मैं युवाओं का मित्र बनना चाहता हूँ। जब मैं युवाओं का मित्र बनूंगा, मैं उनको इजीली एक्सेसिबल लगूंगा, तभी वो उनकी समस्या लेके मेरे पास आएंगे, मेरे सामने व्यक्त हो पाएंगे, और जब मैं उनकी समस्या जान पाऊंगा तब मैं उनको उसके ऊपर सॉल्यूशन दे पाऊंगा। और यही सब महाराष्ट्र में हम करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल रणनीति इसके लिए नहीं बनाएंगे। हम एक ही काम करेंगे कि युवा जिस तालुका का हो, जिस जिला का हो, हमारी वहां की टीम उसके साथ खड़ी होगी। उसकी कोई भी समस्या रहे, एजुकेशन रिलेटेड रहे, हेल्थ रिलेटेड रहे, इकोनॉमिकल विषय रहे, रोजगार का विषय रहे, युवाओं का जो भी विषय है उस लेकर, उसको लेकर उसके साथ में उसके कंधे से कंधा लगाकर हम खड़े होंगे, उसका विषय सुनेंगे और उसको न्याय देने का प्रयास करेंगे, उस पर सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। बहुत पैमाने में हम इस पर सफल होंगे। कहीं पे हमको यश आया तो उसमें हम अपयश आया तो उसमें हम सुधार करेंगे, और उसको कैसे सुधार कर हम अगला हमारा पैटर्न सेट कर सकते हैं उसका भी प्रयास करेंगे। तो हम युवाओं का दुख कम करने के लिए, उसके आंसू कम करने के लिए, और युवा जो विवंचना में है आज, महाराष्ट्र सरकार उसको कुछ भी नहीं उसके लिए अच्छा सोच रही है, तो उसका आवाज सरकार के पास पहुंचाने के लिए और सरकार से उसका काम करके लेने के लिए जो ब्रिज बनने का काम करना है वो हम करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट विषय हम ये करेंगे, केंद्र में हमारी सरकार है, सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी, ये इतने कार्यशील प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है, तो उनके माध्यम से जो युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवतियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए अनेक विषय है, अनेक योजना है, वो योजना नीचे तक लेके जाना, उसके माध्यम से बेनिफिशरीज लाभधारक बनाना, इसके लिए हम पूरे ताकत से प्रयास करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने की है, और वो इतनी बड़ी घोषणा है, इतना बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि जिसके माध्यम से हम स्वयं पूर्ण हो सकते हैं, स्वावलंबी हो सकते हैं। इतने सालों में हमारे किसी राजनेताओं को लगा ही नहीं कि हमने स्वयं पूर्ण होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करेंगे और उस पे जिएंगे और उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ये स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि कोरोना एक महामारी है, लेकिन उस ये महामारी है जो संकट है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी और उन्होंने घोषणा की आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से युवाओं को हम संधि देंगे। 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया और उसमें अनेक विषयों पे बजट अलोकेट किया, फिर वो कृषि क्षेत्र हो, गृह निर्माण हो, लघु उद्योग हो, MSME हो, हर सेगमेंट में प्रोविजंस की। अब हमारा काम ये है कि युवाओं को हम कैनवासिंग करें, उनका अवेयरनेस करें कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आगे आए, आपके लिए बैंक्स में लोन्स की प्रोविजन है, सरकार आपके साथ, केंद्र सरकार खड़ा है, आप साथ आए और आप आपका छोटा सा उद्योग शुरू करें, उसके लिए आप गाइडेंस लें, और उसके माध्यम से जब आप एक छोटा सा उद्योग शुरू करते हैं तो आपका जो फैमिली है, आपका परिवार है, वो उसमें तो सुखी हो जाएगा, वो परिवार सेट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में आपके परिसर के अगर 10, 15, 20, 50 लोगों को भी आप अगर जॉब दे पाए
तो उसमें वो विभाग वो एरिया भी उसमें आत्मनिर्भर बन जाएगा। और जब वो विभाग आत्मनिर्भर बनता है और ये मालिका आगे चलती है तो महाराष्ट्र और देश आत्मनिर्भर बनने में देर नहीं होगी। और इसमें कॉन्सेप्ट ये है, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा कि इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते थे और इम्पोर्ट करने के कारण हमारा जो चलन है वो परकीय चलन हमको मिलता नहीं था, हमारा चलन बाहर जाता था। बिल्कुल। तो हमने अगर ऐसा किया कि जो बाहर के प्रोडक्ट्स है उसको कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बढ़िया क्वालिटी उसी दर्जा के प्रोडक्ट्स या उससे अच्छे दर्जा के प्रोडक्ट अगर यहाँ पे हम बनाने लगे तो जो मार्केट हम बाहर के लोगों को बाहर के कंपनीज को देते थे वो मार्केट आज हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट अगर हम एक्सपोर्ट कर पाए तो जो फॉरेन करेंसी है वो हमको मिल पाएगी और इस माध्यम से हमको एक फॉरेन करेंसी जनरेट भी होगा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा वैल्यू बढ़ पाएगा और हमारे युवा तैयार हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि छोटे बड़े उद्योग करने हैं, कोई बड़े उद्योग कर सके तो स्वागत है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी कंपनी है उसको कुछ रॉ मटेरियल लगता है, उसको कुछ एकाध प्रोडक्ट लगता है, कुछ पार्ट्स लगते हैं, वो बनाने के लिए अगर छोटा भी उद्योग हम शुरू कर पाए स्टार्टिंग फेज में तो उसके माध्यम से आप एक स्टार्टअप कर सकते हो और उसको अपग्रेड करते आप बड़े पैमाने पे पहुंच सकते हो। तो ये युवा ने करना चाहिए और उसके लिए सही कहा कि जो इंटरकनेक्टेड जो बिजनेस है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनको आप उद्यम है उनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत शायद इसी तरीके से बन सकता है, क्योंकि छोटे अगर उद्योग अगर घरों तक अगर लग गए तो लोगों को बाहर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे धीरे धीरे आर्थिक जो व्यवस्था वो सुधरती जाएगी और निश्चित तौर पर जो भारत को विदेशों से उत्पादों को आयात करना पड़ता है वो यही भारत के घरों में बनने लगेंगे। जो जो जिम्मेदारी है आपकी वो अब स्टेट लेवल की है, राज्य स्तर की, पूरे महाराष्ट्र के आपके मुद्दों को और समस्याओं को आपको अभी देखना है, उनको हैंडल करना है। अगर मैं आपसे सरकार के कामकाज को लेकर पूछूं कि किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, आप इस व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं? कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सरकार किसी विषयों को चलाना ही नहीं चाहती, वो बिजी है, लेकिन बिजी किस चीज़ों में है तो अपनी कुर्सी कैसे आबादित रहे। वो एक रूम में रहते हैं तो तीन पार्टी की मिलके जो सरकार है तीनों जन एक रूम में एक दूसरे को दिल भर के गाली देते हैं, एक दूसरे की जो कमियां हैं वो निकालते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो ऐसे दिखाते हैं हम एक है। और कुर्सी कैसी हमारी टिके, वो कुर्सी टिकाने के लिए वो आबादित रहने के लिए किसी भी स्तर तक गिरना पड़े तो गिरने की उनकी आज मानसिकता हो चुकी है। और इसके लिए जनता परेशान है, युवा परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। आज महाराष्ट्र में हम स्थिति क्या देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र नंबर वन है, लेकिन नंबर वन किस चीज में है, तो कोरोना महामारी में। आज देश में हम स्थिति देखते हैं, इसी देश में जो अलग राज्य है, दूसरे राज्य है, वहां पे कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन महाराष्ट्र आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। ये क्यों जाता है? और फिर हम इस विषय पे बोलते हैं तो कहते हैं आप राजनीति करते हो, गलत है उसको गलत है कहना, या यदि राजनीति है तो हमें राजनीति करनी होगी। बिल्कुल। गलत चीजों को अगर गलत है जब तक कहेंगे नहीं तब तक आप उसको सुधारेंगे नहीं, और गलत चीजों को हम गलत है कह रहे हैं फिर भी आप सुधारने की मानसिकता नहीं रखते हो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे तो आप क्या करोगे, इसका तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आज महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, आज आरोग्य मंत्री सुबह आते हैं कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कुछ फिगर्स देते हैं, दोपहर को गृह मंत्री आते हैं उसी विषय पे कुछ अलग स्टेटमेंट दे देते हैं, शाम को सीएम उस विषय पे अलग कुछ बोल देते हैं, और चारों मिलके जब शाम को बैठे तो कुछ अलग ही बोल देते हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। तो कम्युनिकेशन गैप जब तक खत्म होगा तब तक ये विषय सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरा विषय ये है कि सरकार ने इस विषय में को सीरियसली लेते हुए उनके मंत्री रस्ते पे दिखने चाहिए, वो सब लोग घर में बैठे हैं, खुद क्वारंटाइन हो गए हैं, घर में बैठे हैं और जनता को वेंटिलेटर पे डाल दिया है। जनता सरकार राय जनता है वो भगवान भरोसे चल रही है, और ऐसे भगवान भरोसे जनता को छोड़ के ये पैंडेमिक हटेगा नहीं, ये महामारी हटेगी नहीं, इस पर स्ट्रैटेजी से काम करना होगा। आज आपने सब पावर्स दे दिए कॉरपोरेशन को, कलेक्टर को, तो इसको पावर्स देने के बाद में इसका एनालिसिस कौन करेगा? यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, हम जैसे लोक प्रतिनिधि हम इनको पूछते हैं, हम समस्या जानते हैं, हम रोज देख रहे हैं, तो महापालिका की टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, कमिश्नर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, टीम अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनको जो सुविधाएं चाहिए वो ये दे ही नहीं रहे। स्टार्टिंग फेज में हम समझ सकते थे कि एक महीना था जब लॉकडाउन हार्श था, सिस्टम्स अवेलेबल करने के लिए समय लगेगा, लेकिन आज चार महीने हो गए फिर भी आप कुछ नहीं दे रहे। पनवेल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो रुग्णालय है वो बड़ा अति सुसज्ज रुग्णालय है जिसमें बड़ी फैसिलिटी है
इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें जो सामग्री चाहिए हमको, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन बेड ज़्यादा पैमाने पे चाहिए वो नहीं है, वेंटिलेटर की हमको सुविधा अगर सरकार कर देती थी अब तक तो हम बहुत लोगों को क्योर कर सकते थे। आज हम जो पैमाने पे कर रहे हैं उसके 5 times हम ट्रीटमेंट दे सकते थे, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही। और ये हॉस्पिटल महापालिका का नहीं है, ये हॉस्पिटल है महाराष्ट्र शासन का, लेकिन फिर भी सरकार वहाँ पे सुविधा देने में असफल है। तो इस सरकार से क्या उम्मीद करें? आज लोगों की जो अपेक्षा है वो सरकार की ओर से अब खत्म हो चुकी है, उनकी अपेक्षा बनी है भारतीय जनता पार्टी से। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र में घूम रहे, पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे, पनवेल आके गए, मीरा भाईंदर गए, नवी मुंबई गए, भिवंडी गए, हर जगह महापालिका में जाके उन्होंने चेक किया, नासिक, हर जगह पे महाराष्ट्र के हर कोने में वो पहुंच रहे और वो जान रहे, गाइड कर रहे, सिस्टम समझ रहे, त्रुटि जो जो है, जो जो कमियां है उनको पूरा करने के लिए गाइडेंस दे रहे, जो कमियां है उसके लिए सरकार से फॉलोअप कर रहे। तो एक तरफ एक्स चीफ मिनिस्टर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन करंट चीफ मिनिस्टर घर में बैठा है, ये बहुत ही गलत है और महाराष्ट्र की जनता ये जानती है, समय आने पर इसका जरूर आंसर वो देंगी। ये सौभाग्य है मुझे लगता है कि पनवेलकरों का कि आप यहाँ के उप महापौर रहे हैं और आपको ये एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की दी गई है, तो पनवेल को लेकर आपका विजन क्या है? देखिए, पनवेल ये तो मेरी कर्मभूमि है, यहाँ पे मेरी जन्मभूमि भी है, तो यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी ज़रूर रहेगी। पनवेल ये हमारी नगर पालिका थी जिसकी अब महापालिका बन चुकी है, और इसलिए हम यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम की एक मालिका चला रहे हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ अभी बहुत अलग है। हम पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, और सब जो बट ऑब्वियस है कि जब एक नई चीज़ आती है तो उसको पहले बेसिक चीज़ों में कैलकुलेट करना पड़ता है, और जब हमारी बेसिक चीज़ें खत्म हो जाएगी तो हम और डेवलपमेंट की चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो हम अभी हमारे रास्ते अच्छे रहे, कंक्रीट के रहे, हमारे ड्रेनेज अंडरग्राउंड रहे, हमारे जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स है वो पैक रहे, और हम लाइट की व्यवस्था, हमारी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अच्छी रहे, कचरा व्यवस्थापन हमारा जो है गार्बेज कलेक्शन एंड उसका डिस्पोजल वो अच्छा हो, ये सब विषयों को लेके हम सोच रहे हैं। तो ये सब विषय जैसे अच्छे होते हैं हम अगले चीज़ों में कुछ यूनिक कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे ला सकते हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज़ रहेगी। हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र स्टेट का एक जिम्मेदारी जो मुझ पर आया है, मुझे मिली है जो जिम्मेदारी, उसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में घूमते हुए, और बहुत समय ऐसे संधि मिलेगी कि देश भर में घूमने का भी योग आएगा, संधि प्राप्त होगी। तो जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे महापालिकाओं ने जो इम्प्लीमेंट किया है वो अच्छी चीज़ है, मैं मेरे महापालिका में कैसे ला सकता हूँ, वो यहाँ के टीम के माध्यम से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कमिश्नर जी के साथ बैठ के उसको कैसे पॉजिटिवली अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर सोचने का मेरा मानस है। और पनवेल महानगर पालिका को इन पूरे MMRDA रीजन में एक एक बढ़िया महापालिका, नंबर 1 महापालिका बनाने का मेरा सपना है, और जरूर कार्यक्षमता के साथ हम उसको पूरा। अब मैं आखिरी आपसे 2 सवाल, एक तो संदेश होगा और दूसरा मेरा एक जो सवाल है वो, सर जिस क्षेत्र को आप बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र में, वहां पर एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो परप्रांती हैं, जो हिंदी भाषी हैं या जो प्रवासी लोग हैं। इन प्रवासियों की तमाम समस्याएं हैं, आप जानते हैं कि ये प्रवासी ऐसे हैं जो शिवसेना द्वारा पीटे गए हैं किसी दौर में, ये प्रवासी ऐसे हैं जो मनसे द्वारा पीटे गए हैं, लेकिन आज भी उनको अपना कोई इस तरह का नहीं मिला है जो उन्हें गले लगा के ये कहे कि आपका भी इस प्रदेश के विकास में आपका भी योगदान है, आपकी भी भूमिका है। भाजपा से उनका एक नज़दीकी लगाव है क्योंकि भाजपा उन्हें सम्मान देती है। एक प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर, युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर, आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे परप्रांतीय प्रवासी जो हैं वो आपके संपर्क में आएंगे। मुख्य रूप से आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक उनकी नज़र ऐसे ऐसे व्यक्ति को तलाश कर रही है कि जो उनका उनका दुख दर्द समझे, वो अपनी मेहनत से कमाने के लिए तैयार है, वो अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें अपनापन चाहिए, आत्मीयता की उन्हें जरूरत है। आप इसे कैसे देखते हैं और आने वाले समय में इस विषय को लेकर आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, महाराष्ट्र में जो लोग हैं जो इतर राज्यों से यहाँ पे आए हैं, मैं पनवेल में बिलोंग करता हूँ तो हमारे आसपास तो बाहर के राज्यों से आए हुए लोगों की संख्या बहुत बड़े पैमाने है, लेकिन इन सभी लोगों में एक विनयशीलता मुझे दिखाई देती है। जो यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग रोजी रोटी के लिए आए, कुछ व्यवसाय के हिसाब से आए, कुछ एजुकेशन के लिए आए, किसी के रिलेटिव यहाँ पे थे इसके लिए, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ की संस्कृति,
यहाँ का जो विषय है ये सभी को लेकर उन्होंने आत्मसात किया उस विषय को और उसको लेके वो आगे चल रहे हैं। तो यहाँ के विभाग को सम्मान देने का काम हमेशा उन्होंने किया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जैसे जन्मभूमि उनकी दूसरे राज्यों में हो सकती है लेकिन उनकी कर्मभूमि उन्होंने महाराष्ट्र को माना है, अगर पनवेल की बात करें तो इस विभाग को माना है, तो कर्मभूमि इसको मान रहे, मतलब माँ भले उनकी वो रहे लेकिन मासी का दर्जा उन्होंने हमेशा महाराष्ट्र को दिया है। तो उनका स्वागत करने की ज़रूरत है, उनके साथ चलने की ज़रूरत है, उनकी समस्याएं जानने की ज़रूरत है, और उनकी बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। जैसे आपने कहा उनको मान सम्मान की ज़रूरत है, उनको एक आत्मसम्मान देने की ज़रूरत है, उनके साथ बैठ के उनके साथ उसका हाथ हाथ में लेके ये पूछने की ज़रूरत है कि भाई आप कैसे हो, इतना भी पूछे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ये करने की ज़रूरत है। समाज में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, इनको साथ में लेके हम चलेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम उनके होते हैं जिनमें हम जाते हैं, उनके साथ सहभागी होते हैं, उनके साथ उसमें हम भी उन चीज़ों का आनंद लेते हैं। और भारत क्या है, तो भारत विविधता में एकता है, और हमारा नसीब हमने ये मानना चाहिए कि हमको वो विविधता देखने के लिए देश के इतर राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। हम खुद एक मिनी इंडिया है, महाराष्ट्र हो हमारा नवी मुंबई हो ये एक मिनी इंडिया है। हमारा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र के हर हिस्सों से लोग यहाँ पे है, तो उनकी संस्कृति, उनका रहना सहना, उनकी भाषा, ये जानने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसका आनंद हमने भी लेना चाहिए और इस माध्यम से, इस एंगल से उसको देखना चाहिए। मेरा मित्र परिवार जो है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये सब लोग है, इतर राज्यों से आए हुए लोग है, और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा मिलना जुलना होता है और मुझे बड़ा आनंद मिलता है जब मैं उनसे मिलता हूँ कि उनकी संस्कृति सीखता हूँ, उनकी भाषा सीखता हूँ। और इसीलिए इन सब को लेके आगामी सब दौर में हम काम करेंगे, उनके हर विषय को लेके हम काम करेंगे। और उनको भी आपके माध्यम से एक आश्वासित करना चाहता हूँ कि बिल्कुल चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, हम आपके साथ खड़े हैं, और कुछ भी विषय रहे तो हम इजीली एक्सेसिबल लोग हैं, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, हम आपके साथ उस विषय में आगे चलेंगे। और इसलिए बिल्कुल पर्दा रखने का विषय नहीं है, बिल्कुल हिचकिचाहट का रखने की विषय नहीं है, आप बिल्कुल आए जुड़े, और साथ में जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, तब तक हमारा भावनाओं का शेयरिंग, हमारे विचारों का शेयरिंग आदान प्रदान नहीं होगा और एक दूरी बनी रहेगी। ये दूरी मिटाने की ज़रूरत है, आइए हम हाथों में हाथ लेकर एक परिवार बनकर आगे अगले समय में काम करेंगे, ये आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं। सर आखिर में संदेश क्या देना चाहेंगे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर युवाओं को और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं जो अब नई उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं? जी, इस माध्यम से दो संदेश देना चाहूँगा, एक मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की युवा संगठना है, यहाँ हमारे ऊपर संस्कार बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। और ये संस्कार किस चीज़ के हैं, तो भारत माता को परम वैभव पे लेके जाने के लिए हम सभी को कटिबद्ध रहना है। जो जो विषय हो जिसमें हम सेवा कार्य कर पाए, युवाओं के कल्याण के विषय रहे, हर विषय को लेकर जनता में उसके चेहरे पे हास्य आए, इसके लिए जो जो करने का विषय है उस चीज़ों में हम आगे रहे। महाराष्ट्र में हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो देशप्रेमी युवाओं की टीम रहे, जिनके माध्यम से, जिनको एक सेवा कार्य का इतिहास है, जिसने खुद अब तक परफॉर्म किया है, जो सेवा में, मदद कार्य में आगे है, लोगों का दुख कम करने में जो आगे है, उनको लेकर हम एक टीम बनाएंगे। ऐसी टीम हमारी जिला और तालुका स्तर पे बने और वो स्थानिक विषयों को लेके लोगों को न्याय देने के लिए काम में आए, ये ऐसे लोगों की हम टीम बनाएंगे। और इन सभी कार्यकर्ताओं को मेरा कहना है कि हमारा सपना क्या है, जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय इन्होंने हमको जो सपना दिया, अंत्योदय का सपना, जो सपना था कि पंक्ति में खड़े लास्ट रो के लास्ट पर्सन तक जब तक विकास नहीं पहुंचता तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। और इसलिए युवाओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के आखिरी युवा का दुख जब तक नहीं खत्म होता, उसके आंसू जब तक पहुँचने का काम हम नहीं करते, तब तक अविरत स्वरूप में हमको ये कार्य करना है। और सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के करेंगे और हम सब मिला के करके युवाओं को एक ताकत देने का काम करेंगे। और महाराष्ट्र के युवाओं के लिए मैं संदेश दूंगा कि आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं नहीं करते, इससे हमें कुछ पूछना नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है। आप युवा हो और आपके लिए हमें काम करना है, यही हमारी भावना है, यही हमारा ध्येय है। और इसलिए आपके जो भी विषय रहे, हमें इस तरीके से हम काम करेंगे कि आप सभी को ऐसा लगे कि युवा मोर्चा हमारी संगठना है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता यह हमारा मित्र है, हमारे परिवार का सदस्य है, यह आदर्श खड़ा करने का काम हम करेंगे। आपको भी हम कहेंगे कि दो कदम हम आगे आएंगे, दो कदम आप आगे आइए,
हम साथ में मिलके जब ये करेंगे, आपकी भावनाएं आपकी समस्या हम तक पहुंचेंगी, उसे सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम 100% रिजल्ट दे पाएंगे। 10 समस्या आप बताएंगे तो उसमें से 2 काम हम नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन 8 काम तो हम कर पाएंगे, वो करने का हम प्रयास करेंगे। और जो 2 काम हम नहीं कर पाए उसमें हम कहाँ कमी हो रह गए, वहाँ पर कहाँ कमियाँ थी, उसको सुधारने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आप और हम मिल के ये युवा महाराष्ट्र हम बनाएंगे, और युवा महाराष्ट्र तभी बन पाएगा जब ये महाराष्ट्र की सोच युवा होगी। और ये युवा सोच कब होगी, जब आप जैसे युवा हमारे साथ आएंगे और हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, तभी ये महाराष्ट्र युवा होगा और ये देश युवा होगा और हम एक ताकत बनकर सामने आ पाएंगे। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना बेशकीमती समय दिया। आप जिस जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे, इसका जिस तरह से आपने भरोसा दिलाया है। जावेद अख्तर ने एक कुछ लाइनें लिखी हैं कि ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। विक्रांत बालासाहेब पाटिल इसी फाइटर की तरह अपनी बात रख रहे थे, और हमें उम्मीद है कि जो इनका संघर्ष है, जो पहले का इनका अनुभव है, जो अभी इनके आने वाले जो इनकी योजनाएँ हैं उसमें ये फाइटर की तरह से ये जीत हासिल करेंगे। हम इनको इनकी जो नियुक्ति हुई है नई उसके लिए और आपकी जो योजनाएं हैं, जो आपके आपकी जो प्लानिंग है उसमें जीत के लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। तो आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम किसी नई शख्सियत के साथ फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। लगातार लेटेस्ट खबरें देखते रहनी है तो आप हमारे वेबसाइट पर क्लिक कीजिए www.tv1india.com और बस देखते रहिए। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।